मुक्ति की रती गति भूति भलाई। जब जेही जतन जहाँ जेही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाउ, लोक हुबेदना आन उपाउ। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। मति कीर्ति गति भूति भलाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, दुनिया में जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में अद्वितीय सफलता को प्राप्त की है, अगर मनुष्य किसी भी रूप में इस दुनिया में अत्यंत सफल है, सफलता उसके पीछे पड़ी हुई है, तो उसकी जड़ सत्संग है। क्योंकि इस प्रकार की गति, इस प्रकार की प्रगति संतों के आशीर्वाद से, संतों के मार्गदर्शन से या संतों की कृपा से कहीं से भी हाथ लग गया और ऐसी कोई शक्ति जाग जाती है व्यक्ति में कि वो कहां से कहां हो जाता है। कुल मिलाकर इसीलिए सत्संग की ये सारी महिमा है कि सत्संग से मन बनता है। सत्संग का पूरा प्रभाव मन पर है। मन को शुद्ध करना, मन को विशुद्ध करना, मन को निर्विकार करना और मन को निष्कपट करना, मन का एक सुंदर सा आकार बनाना, ये सब कुछ सत्संग की देन है। और किसी भी क्षेत्र में वो व्यक्ति सफल हो जाता है जिसके पास मन है, श्रेष्ठ मन है। अब जब मनोबल है, लोग व्यवहार में भी कहते हैं कि मनोबल है, तो जिसके पास मन है, जिसके पास इस प्रकार का सफलता देने वाला मन है, दृढ़ मन है, मजबूत मन है, तो ऐसे लोग जिस कार्य में हाथ डाले उस कार्य में सफल हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास साहस है, मन है, मजबूत मन है, मनोबल है। सत्संग सीधा सीधा असर करता है तो मन पर असर करता है, और मन से ही व्यक्ति की सफलता और असफलता निश्चित होती है पूरे जीवन पर्यंत। अगर हमारे पास कोई श्रेष्ठ वस्तु है, मूल्यवान चीजें हैं जीवन में, लेकिन मूल्यवान मन नहीं है, तो व्यक्ति फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो हमारे पास अंततः क्या है, व्यक्ति सफल हुआ कि निष्फल, वो इससे निर्णय नहीं होगा कि उसने अपने जीवन में इतना कमा लिया, इतना नाम बना लिया, इतना कुछ इकट्ठा कर लिया, इससे वो सफल हो गया, इसका कोई निर्णय नहीं होता। क्योंकि कई दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसने बहुत कुछ इकट्ठा तो कर लिया लेकिन चैन नहीं है उसको, बुद्धि से कर लिया, कपट से कर लिया, झूठ से कर लिया, नाटक से, पाखंड से बहुत कुछ कर लिया व्यक्ति ने अपने पास, लेकिन उसके बाद खुद को खुद का वजन लगता है, उसको चैन नहीं है,
उसको अंदर से कोई डांटता है, वो अंदर से कोई फटकारता है, और उसको बेचैनी है, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, उसको चैन नहीं है कहीं पर भी। वो स्वयं ही खुद को सफल नहीं समझ रहा जिसको दुनिया सफल समझ रही। अन्य चीजें जन्म के समय तय होती है। लोग जब जन्म कुंडली बनवाते हैं, ज्योतिषों से पूछते हैं, तो सारी बातें ज्योतिष बता देते हैं। इस उम्र के बाद नौकरी मिलेगी, इस उम्र के बाद अपना घर बनेगा, इस उम्र के बाद देश विदेश में जाएंगे, किस उम्र के बाद क्या होगा, किस उम्र में कोई बड़ा लाभ होगा, किस उम्र में कोई बड़ा हादसा होगा, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, मृत्यु तुल्य कोई घटना बन जाएगी, वो सब कुछ तो ज्योतिष तभी बता देते ना जब कोई जन्म लेता है, तभी ज्योतिष ये सारी बात बता देते। और वो होता भी है, जब अगर ज्योतिष का ज्ञान जिनको पूरा पूरा है और वो बताते तो वो सब होता भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस समय किस उम्र में कब क्या होने वाला है, वो तो सब उसी समय निर्णय हो चुका है जब हम जन्म लेते। लेकिन इससे हम सफल हो गए या असफल ये नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें भी अगर हमारा मन दिव्य है, उसमें भी हमारा मन मजबूत है, उसमें भी हमारे पास दृढ़ मनोबल है, तो ज्योतिष के अनुसार जो बताई वो सारी घटनाएं घटती जाएगी, उसके बाद भी हम फेल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो घटनाएं है वो तो फेल होने वाली घटना है, दुर्घटना है, हादसा है, जो भी कुछ लिखा था वो सब हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे पास मजबूत मन है, श्रेष्ठ मन है, तो फिर हम फेल नहीं है, हम सफल हो के रहेंगे, हम सफल साबित होकर रहेंगे। वो घटना घटेगी तब भी हम आखिर सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास मन है। मृत्यु के समय पर अंतकाल में हमारे पास कितना कुछ है, इससे निर्णय नहीं होगा कि हम दुनिया में सफल हुए हैं या नहीं, लेकिन उस समय हमारा मन कैसा है, और वो अगर श्रेष्ठ है तो हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी एक सफल यात्री हो गए हम, और अगर मन ही नहीं बना मृत्यु तक, बाकी सब बन गया, तो वो हमारे लिए बोझ बन जाएगा, क्योंकि वो ही चीजें लोगों के अंत समय के दुख का कारण है। वो व्यवस्था, वो सुख, वो संपत्ति, वो संतान, वो सब कुछ अंत समय में बेचैनी का कारण बन जाता है, जिसने मन नहीं बनाया और बाकी सब बना लिया। तो मन नहीं बनाया और बाकी सब बन गया, और वो जो कुछ बन गया है वो चैन से जीने नहीं देता, चैन से मरने नहीं देता, और वो आखिरी समय में हमारी बेहद मानसिक दुविधा का कारण बन जाता है। मति कीरति गति भूति भलाई, ये सारी चीजें सुंदर है, होनी चाहिए सत्संग के प्रसाद रूप में। सबसे पहली बात बताई मति, बुद्धिमान होना बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बुद्धि मंद ना हो, मंदमति ना हो, महामति हो जाए, इसका उपाय सत्संग है, तभी बुद्धिमान होने का लाभ है। बाकी दुनिया में बुद्धिमानों के द्वारा जितनी गड़बड़ होती है उतनी गड़बड़ बुद्धुओं के द्वारा नहीं होती, और एक बुद्धू के द्वारा गड़बड़ भी हो गई तो एक बुद्धिमान उसको सुधार सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान के द्वारा समाज में जो कुछ गड़बड़ हो गई, जो कोई गलत मार्ग बन गया, गलत परंपरा चल गई, तो वो लंबे समय तक गड़बड़ गड़बड़ी रहती है, क्योंकि वो जल्दी ठीक नहीं होती। एक बुद्धिमान के द्वारा जो कुछ हानि हुई दुनिया में, वो हानि लंबे समय तक दुनिया भर की हानि करता है।
एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा जिसको बुद्धिमान नहीं समझते, वो बुद्धू है, उसके द्वारा जो कुछ गड़बड़ हुई तो कुछ कुछ ही मिनटों में उसको सुधारा जा सकता है, उससे समाज का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन एक बुद्धिमान के द्वारा एक एक निर्णय गलत हुआ जिससे समाज की लंबे समय तक हानि होती है। इसीलिए बुद्धिमान होना अच्छा है, लेकिन मति सत्संग के प्रसाद वाली बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति अगर सत्संग नहीं करता तो मति मंद मति भी बन सकती है, और मंद मति मानस में बताई मंथरा के नाम मंथरा मंद मति, तो मंथरा को बुद्धि कम नहीं थी, बुद्धि तो बहुत 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 ज्यादा थी मंथरा में, लेकिन उसका प्रकार मंद था। और मति मंद क्यों हो गई कि उस मति के द्वारा उसने जीवन में सत्संग नहीं किया। सत्संग किया होता तो वो मंद मति ना होकर महामति बन जाती। मंद मति बन गई तो राम वनवास करवा दिया, महामति हो जाती तो घर घर में राम राज करा देती। इसलिए बुद्धिमान होना ठीक है, लेकिन वो बुद्धि सत्संग के द्वारा दीक्षित होनी चाहिए, सत्संग के रंग में रंगी होनी चाहिए। कीर्तिमान व्यक्ति मति कीरति गति भूति बलाए, दुनिया में कीर्तिमान व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त होने के बाद, प्रसिद्धि का एक प्रसिद्ध व्यक्ति को जितना सुख नहीं होता उतना दुख होता है, क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रसिद्धि के बाद हर कदम प्रसिद्धि के कारण ही चिंता रहती है कि कोई कोई बदनाम ना कर दे, उसकी प्रतिष्ठा पर कोई दाग ना लगा दे। छोटी छोटी बातों में उसको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। वो अपने भक्तों से भी कहेंगे, अपने बच्चों से भी कहेंगे, वो सबसे ये कहेंगे कि भाई तुम सावधान रहना, तुम ऐसा मत करना, तुम वैसा मत करना, क्योंकि उससे हमारी कीर्ति पर कोई असर हो जाएगा, हमारी कीर्ति प्रभावित हो जाएगी। लोग कहेंगे कि ये उनके भक्त है, ये उनके शिष्य है, उनका बेटा है, तो उनके संतानों को, उनके भक्तों को, उनके अनुयायियों को, उनको भी एक प्रकार का बंधन लग जाता है, कई प्रकार का, बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि वो उनके हैं। कदम कदम पर कीर्तिमान व्यक्ति को इस बात का डर रहता है कि कहीं उनकी कीर्ति अपकीर्ति में परिणत न हो जाए। लेकिन महापुरुषों को, संतों को, भक्तों को, भजनानंदियों को दुनिया में जो प्रसिद्धि प्राप्त होती है, उनको प्रसिद्धि के साथ पतन का कोई भय नहीं होता, कीर्ति के साथ उनको अपकीर्ति का कोई डर नहीं होता, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि का आधार सत्संग है। सत्संग ने उनको मन बना दिया, सत्संग ने उनको जीवन बना दिया, और सत्संग ने जैसा बताया वैसा जिसका व्यवहार है, वैसा जीवन है, वैसा विवेक है, और इससे जब प्रसिद्धि प्राप्त हुई उस पर कोई खतरा नहीं। खतरा तब होता है जब बुद्धिपूर्वक प्रसिद्धि को बनाया जाए, खतरा तब होता है जब पैसे लगाकर प्रसिद्धि को खरीदा जाए, खतरा तब होता है जब युक्तिपूर्वक प्रसिद्धि को बनाया जाए, लोगों को तैयार किया जाए कि तुम हमारे बारे में ये बोलो, तुम हमारे बारे में, ये जब होता है तब खतरा होता है। लेकिन जब प्रसिद्धि को बनाया नहीं है, प्रसिद्धि को खरीदा नहीं है, भाग्य जिसको प्रसिद्धि दे उसको भी खतरा है, क्योंकि जब भाग्य कम हो जाएगा उस दिन प्रसिद्धि अपने आप फिर व्यक्ति नीचे आने लगेगा, जब भाग्य बढ़ रहा था तब तब वो ऊंचा चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया, कुछ नहीं करता था तब भी प्रसिद्धि बन गई, तब भी ऊंचाई पर हो गए, और जैसे ही भाग्य ने साथ देना बंद कर दिया उसके बाद वो प्रयास करने पर भी प्रसिद्धि नहीं रहती, वो सरकने लगता है धीरे धीरे धीरे, जैसे चढ़ गया वैसे फिर सरकने लगती है सारी चीजें।
पहले अनजान लोग भी उसका सम्मान करते थे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि घर के लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब सब सरकने वाली चीज है। अगर भाग्य ने प्रसिद्धि दी तो खतरा है, पैसे से प्रसिद्धि खरीदी तो खतरा है। बुद्धिपूर्वक युक्तिपूर्वक अगर बनाई प्रतिष्ठा तो वो सब खतरा है, लेकिन जब सत्संग व्यक्ति को मन बना दे, सत्संग व्यक्ति को एक नया जीवन बना दे, और उस व्यवहार के कारण, उस विवेक के कारण जब उसको प्रसिद्धि मिलती है तो फिर उस पर कोई खतरा नहीं है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब मृत्यु के बाद ये जीवात्मा की गति होती है और वो गति जीवन के दौरान प्राप्त सत्संग, और सत्संग ने जो चिंतन दिया, सत्संग ने विचार दिया, और सत्संग में जैसा विचार मिला वैसा चिंतन करते करते जब शरीर छूटा, तो कोई हमारी गति के लिए कुछ करे ना करे, जब हमारी मति ही श्रेष्ठ है तो फिर गति श्रेष्ठ हो जाएगी। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी ये बात बताई कि अंत समय में जो मति होती है उसी प्रकार की गति मनुष्य को, जीवात्मा को प्राप्त होती है। तो हमारी गति के लिए कोई कुछ करे कि हमारे पुरखों की गति हो जाए, पूर्वजों की गति के लिए जरूर हमें जो कुछ शास्त्र बतावे वो सब करना चाहिए, लेकिन अगर कोई करे ना भी करे क्या भरोसा। मृत्यु के बाद पीछे वाले इसको माने ना माने ये सब करने में क्या भरोसा, अगर कोई करे या न करे। लेकिन हमारी गति अगर हमने जीवन के दौरान सत्संग कर लिया और सत्संग के अनुरूप मृत्यु के समय पर हमारा चिंतन रहेगा, और उस चिंतन से जब हमारी गति हो गई फिर हमको कोई खतरा नहीं है, फिर हमारी श्रेष्ठ गति हो जाएगी। भूति भलाई ऐश्वर्य धन संपत्ति, ये सब दुनिया में जो हमको भूति प्राप्त होती है, जो कुछ समृद्धि प्राप्त होती है, जो कुछ वैभव आदि प्राप्त होता है, वो वैभव भी सत्संग के प्रसाद के रूप में प्राप्त हो। सत्संग करने वाला व्यक्ति सुख संपत्ति में बदलता नहीं है, वैभव में बदलता नहीं है, अन्यथा गरीबी में व्यक्ति थोड़ा उदार होता है, अमीरी में वो ज्यादा लोभी हो जाता है, ज्यादा ही कंजूस हो जाता है। जब उसके पास है ही थोड़ा तब उसको कहीं लगाने में परेशानी नहीं होती, अब है ही क्या, थोड़ा सा है थोड़ा लगा दो। लेकिन जब अधिक हो जाता है तब व्यक्ति थोड़ा हिसाबी हो जाता है, उसके बाद उसको धर्म करने में थोड़ा विचार होता है कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। कोई संत भी आ गए तो उनको मदद करूँ ना करूँ, सेवा करूँ ना करूँ। उसके बाद जब इकट्ठा हुआ उसके बाद व्यक्ति बदलता है, लेकिन तब नहीं बदलेगा जब वो सत्संगी है। सत्संगी व्यक्ति जब ऐश्वर्य हो गया, कुछ वैभव उसके जीवन में प्राप्त हो गया, तो वो यही सोचता है कि ये कब तक, ये सब पड़ा रह जाएगा, हम चले जाएंगे, और अगर हम अभी से इसको सही दिशा में लगाने लगेंगे तो हमारा आने वाला समय भी श्रेष्ठ हो जाएगा किसी भी विचार से। लेकिन वो वैभव में अविवेक नहीं करता, वो वैभव में बदलता नहीं है, बल्कि वैभव में वो ज्यादा यज्ञ करने लगेगा, गौ सेवा करने लगेगा, धर्म करने लगेगा। मति कीरति गति भूति भलाई, जीवन में भलाई आ जाए, सज्जनता आ जाए, लेकिन वो सत्संग की दी हुई सज्जनता होनी चाहिए, अन्यथा लोग परिस्थिति वश सज्जन हो जाते। जब दुर्जनता करने का कोई मौका ही नहीं है, जब कहीं कैमरा भी चालू हो तो लोग सावधान रहते हैं कि यहाँ कैमरा चालू है, यहाँ चोरी नहीं करनी चाहिए,
जब मंदिरों में वो सब चालू होता है तो लोग सावधान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं उसने चोरी छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर नहीं है, लेकिन एक कैमरा उसने देख लिया कि यहाँ है तो वो सोचेंगे कि ये तो मतलब पकड़ लेंगे, तो उस डर में वो नहीं करेगा। तो चोरी उसने ना की तो भलाई तो नहीं आ गई, हम ये तो नहीं कह सकते कि सज्जन हो गए, उसमें वो उसमें भलाई आ गई, सारी बुराई उसमें से चली गई, नहीं, वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है। तो मजबूरी वश लोग भलाई बनाए रखे वो ठीक है, या भी इस चिंता में कि अगर हमने आज बुराई की और पता भी चल गया तो आगे बड़ी परेशानी होगी, निकाल देंगे हमको, तो उसी उसके कारण भी लोग भलाई को संभाल के रखते हैं कि चलो भले ही रहो ताकि आगे कोई परेशानी नहीं, जो जितना है उतना तो रहे हमारे पास, वो भलाई नहीं है। भलाई वो है मौका मिलने पर भी व्यक्ति बुराई ना करे, उस पर कोई देखने वाला ना हो तो भी उसको जो काम करना है करे, वो चोरी नहीं करे, काम चोरी भी ना करे, कोई उस पर ध्यान दे या ना दे, कोई उसको कहे ना कहे, कोई आदेश करे ना करे, लेकिन वो समझ कर करे कि हम जिसके आधार पर है हम क्यों, हम कोई कमी क्यों छोड़े। भलाई स्वभाव में भलाई आ गई और वो सत्संग देता है। मति कीरति गति भूति भलाई, ये सब कुछ सत्संग के प्रसाद रूप में हो तो सार्थक है, और ये सब सत्संग देता है। इसका कारण सत्संग एक मूल चीज दे देता है, यहाँ बताया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, राम कृपा के बिना सत्संग नहीं होता। अब सत्संग न करने वाले लोग बोल दे कि राम की कृपा ही नहीं है इसलिए हमने नहीं किया, राम की कृपा नहीं है इसलिए हम नहीं पहुंचे, राम की कृपा नहीं है इसलिए मन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये शब्द मनुष्य को लागू नहीं होता। जो मनुष्य नहीं है, कान तो है मनुष्य जैसा नहीं है, मनुष्य जैसी समझ नहीं है, आँख है कान है हाथ है पैर है, और पैर तो दो नहीं चार चार पैर हो, लेकिन इसके बाद भी जो मनुष्य नहीं है वो सत्संग का लाभ नहीं ले सकता। जो मनुष्य बन गया उस पर तो भगवान की कृपा हो गई, कबहुक करी करुणा नर देई देत ईश बिनु हेतु, भगवान ने कृपा करके ही दिया। दुर्लभ देह गोस्वामी जी ने भगवान से कहा कि आपने हमको दिया और वो कृपा करी आपने हमको दिया, तो मानव शरीर ही तो कृपा का परिचय है, भगवान की कृपा का, और इसमें तो खुद पर कृपा करके हमें सत्संग कर लेना चाहिए। अगर हम करने की इच्छा करें तो सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा कहीं भी मिल जाता। संतों की महिमा इतनी है, गोस्वामी जी ने कहा, बीति हरिहर कभी को बीद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि हरि हर कभी को विदवानी, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और कोई भी कवि सत्संग की जो महिमा है उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते। कहत साधु महिमा,
सकू जाने। ऐसे संतों को वंदन करते हुए गोस्वामी जी राम प्रेम की मांग करते हैं। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। जैसे हाथों में हम फूल लेते हैं तो फूल दोनों हाथ को सुगंधित करते हैं। फूल ऐसा नहीं करेंगे कि वो दायां हाथ पवित्र है तो उसको ज़्यादा सुगंध दे, बायां हाथ उतना पवित्र नहीं माना जाता तो उसको कम सुगंधित करे, नहीं, वो तो समान रूप से सुगंधित करते हैं। ऐसे संत भी बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। यहाँ संत का परिचय भी थोड़ा बताया, हित अनहित नहीं कोई। जिसको कहा गया गंगा सती के शब्द में, शत्रु ने मित्र एके नहीं उर्मा, परमारथमा जेने प्रीत, हित अनहित नहीं कोई, सम शत्रु च मित्र च तथा मानाप मान। ऐसा नहीं कि कोई उनको अपना लगता है, कोई उनको पराया लगता है, कोई उनको हित करने वाला लगे, कोई उनको अहित करने वाला लगे। साधु का व्यक्तिगत रूप से कोई अहित कर ही नहीं सकता, कोई कितना भी प्रयास कर ले। एक भजनानंदी का कोई अहित के भजन ही उनका हित करता है। सुमिरन भजन तपस्या त्याग उसी से उनका हित है, उनका अहित कौन कर सकता है। और जो भजन करता है वो खुद ही खुद का हित कर लेता है तो उसका हित भी कौन कर सकता है, और उसका अहित भी कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि उनके पास तो भजन का कवच है। कोई अहित करने का मन भी बनाते हैं तो फिर उल्टा परिणाम आता है, संत को कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। ऐसे संतों के चरणों में गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान के चरणों में मुझे प्रेम प्राप्त हो, जिसके पास जो चीज़ होती है वो ही वो दे सकते हैं। संतों के पास जो है वो किसी के पास नहीं है। गोस्वामी जी को मालूम है कि संतों के पास कूट कूट कर भरी हुई चीज़ है, और वो है प्रभु प्रेम, भगवान के प्रति अनुराग, भगवत भक्ति। जिसके पास हो वही दे सकता है, और संतों के पास ये चीज़ अच्छी तरह से भरी हुई है। और ऐसे महापुरुषों के चरणों में गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी कृपा करें कि मुझे भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाए।